ఇప్పుడు అనునిత్యం బీజేపీ రాక్షస పాలనతోని సంఘర్షించే వ్యక్తి అనునిత్యం చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతూ కూడా తన గరిమను ఢిల్లీ ప్రజల ఆత్మ గౌరవాన్ని కాపాడిన వ్యక్తి ప్రజల యొక్క హక్కుల కోసం అనేక రకాల హక్కుల కోసం పోరాడి చేసినటువంటి వ్యక్తి ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి గారు గౌరవనీయులు శ్రీ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారు వారి సందేశం ఇవ్వాలని కోరుతున్నాం। मंच पे बैठे हुए हमारे बड़े भाई तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव जी, मंच पे बैठे हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान साहब, उत्तर प्रदेश के बेहद लोकप्रिय नेता और पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा साहब, मंच पे बैठे हुए अन्य सभी गणमान्य लोग और यहाँ पे इतनी भारी संख्या में आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले राव साहब को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आज मुझे तेलंगाना बुलाने के लिए उन्होंने आज दो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हमें शामिल होने का मौका दिया और उसके बाद आप लोगों से बातचीत करने का मौका दिया। मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है कि नहीं पता कि आपके मुख्यमंत्री ने आज एक बहुत शानदार कार्यक्रम शुरू किया है। आपकी सब लोगों की आंखों का चेकअप कराया जाएगा। तेलंगाना में 4 करोड़ लोग रहते हैं, 4 करोड़ लोग, सब लोगों की, बच्चों की, बूढ़ों की, आदमी की, औरत की, इस धर्म की, उस धर्म की, अमीर की, गरीब की, सब लोगों की आंखों का चेकअप केसीआर साहब मुफ्त में कराने जा रहे हैं। उस कार्यक्रम का आज शुभारंभ हुआ, जिसकी आंखों में डिफेक्ट मिलेगा उसको मुफ्त में दवाई दी जाएगी, जिसे चश्मे की जरूरत होगी उसे मुफ्त में चश्मा दिया जाएगा और अगर किसी की आंखों में ऑपरेशन करने की जरूरत होगी तो उसका मुफ्त में ऑपरेशन किया जाएगा। शानदार प्रोग्राम है कि नहीं है? आज हम लोग यहां से सीख के जा रहे हैं। मैंने और हम सभी लोगों ने यह सारा कार्यक्रम देखा, इनके डॉक्टर से मिले, इनके ऑफिसर्स से मिले, जितने शानदार तरीके से उसका आयोजन किया जा रहा है, प्लानिंग की गई है, बहुत शानदार है। मैं जाके इस पूरे कार्यक्रम को दिल्ली में भी लागू करूंगा और अभी अभी भगवंत साहब मान साहब ने ऐलान किया कि इस पूरे कार्यक्रम को पंजाब में भी लागू किया जाएगा। फिर केसीआर साहब ने हमें ये बिल्डिंग दिखाई, तेलंगाना में 33 जिले हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट्स, उसमें से 17 डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स बन चुका है। मतलब ये इस बिल्डिंग में जिले के लेवल के सारे ऑफिसेज हैं, कलेक्टर भी यही है, सिंचाई विभाग भी यही है, तहसीलदार भी है, सारे विभाग इसी बिल्डिंग के अंदर हैं ताकि अगर कोई नागरिक आए तो उसे जगह जगह धक्के ना खाने पड़े, सारे काम एक बारी वो यहां पे आए और उसका काम हो जाए। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम लोग लागू करेंगे। मैं समझता हूं अगर हम अपने देश के अंदर आपस में एक दूसरे से सीखने का प्रयास करें, लड़ने की बजाय, हमें लड़ना नहीं है, हमें सीखना है एक दूसरे से,
अगर हम एक दूसरे से सीखने की कोशिश करें तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है हमारा देश। दिल्ली में हम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए। मोहल्ला क्लिनिक में आपके मुख्यमंत्री केसीआर साहब हमारे मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए दिल्ली आए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, मोहल्ला क्लिनिक दिखाने ले गए। उन्होंने डॉक्टर से बात की, नर्स से बात की, सारा सिस्टम समझा और वापस आके उन्होंने उसको तेलंगाना में लागू किया। वो क्या नाम है उसका, बस्ती दवाखाना नाम से उन्होंने तेलंगाना में लागू किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब दिल्ली आए, उन्होंने हमारे स्कूल देखे। हमने दिल्ली में स्कूल बहुत शानदार कर दिए, सरकारी स्कूल जहां पे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, रिक्शे वाले का बच्चा पढ़ता है, मजदूर का बच्चा पढ़ता है। अब दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो गए कि दिल्ली में लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से निकाल निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों के, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7% नतीजे आए हैं पिछले साल, 99.7। तो स्टालिन साहब हमारे स्कूल देखने के लिए आए, वापस जाके उन्होंने अपने स्कूल ठीक किए और उन्होंने मुझे अपने स्कूल का उद्घाटन करने के लिए बुलाया। दोस्तों, मैं कई बार ये सोचता हूं, हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, 75 साल, फिर भी हमारा देश गरीब क्यों रह गया, फिर भी हमारा देश पिछड़ा क्यों रह गया। हमारे बाद सिंगापुर आजाद हुआ, जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तहस नहस हो गया था, जापान हमसे आगे बढ़ गया, सिंगापुर हमसे आगे बढ़ गया, जर्मनी हमसे आगे बढ़ गया, हमारे में क्या कमी रह गई, हम पीछे क्यों रह गए। हम पीछे इसलिए रह गए क्योंकि जैसे अभी मान साहब ने बताया, हमारे देश की राजनीति बहुत खराब है, हमारे देश के नेता बहुत खराब हैं। पहली बार इस देश के अंदर एक उम्मीद की किरण जागने लगी है। इस देश के अंदर कुछ मुख्यमंत्री एक साथ आ रहे हैं, कुछ नेता, अखिलेश यादव जी जैसे नेता एक साथ आ रहे हैं और अब हम सब मिलकर इस देश के विकास की चर्चा कर रहे हैं। हम सब मिलकर अब राजनीति की चर्चा नहीं करते। आज पूरा दिन सुबह से शाम तक हमने बैठ के चर्चा की कि देश के अंदर शिक्षा अच्छी कैसे होनी चाहिए, देश के अंदर अस्पताल अच्छे कैसे होने चाहिए, देश के अंदर सिंचाई अच्छी कैसे होनी चाहिए, किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, मजदूरों के लिए क्या कर सकते हैं। देश के कुछ मुख्यमंत्री इकट्ठे होकर ये करने लगे। हम एक दूसरे से सीखना चाहिए हम लोगों को। मुझे याद है बचपन में जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, उस टाइम से हम सुन रहे हैं केरला में स्कूल बहुत अच्छे हैं, केरला में अस्पताल बहुत अच्छे हैं, उस टाइम से सुन रहे हैं। अगर केरला में स्कूल हॉस्पिटल अच्छे हैं तो अभी तक बाकी देश में क्यों नहीं हुए, अभी तक हो जाने चाहिए थे बाकी देश में भी, क्यों नहीं हुए अभी तक बाकी देश में। हम सारे आपस में लड़ते रहते, हम सारे पार्टियां आपस में लड़ते रहते हैं, सारे नेता आपस में लड़ते रहते हैं। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अभी अभी कई सारे वक्ताओं ने कहा तमिलनाडु का गवर्नर तमिलनाडु की सरकार को तंग कर रहा है, तेलंगाना का गवर्नर राव साहब को तंग कर रहा है, दिल्ली का गवर्नर मेरे को तंग कर रहा है, पंजाब का गवर्नर मान साहब को तंग कर रहा है।
ये गवर्नर तंग नहीं कर रहे, मोदी साहब तंग कर रहे हैं। गवर्नर तंग नहीं कर रहे, गवर्नर को बेचारे को क्या लेना देना। गवर्नर को तो बड़ा सा बंगला मिल गया, आलीशान गाड़ी मिल गई, एयर कंडीशन माहौल मिल गया, नौकरी मिल गई, 5 साल ऐश करने के लिए आता है गवर्नर। गवर्नर को क्या लेना देना। दिल्ली से फोन आता है, राव साहब को काम मत करने दो, अड़चन अड़ाओ, आता है कि नहीं आता है। दिल्ली से फोन आता है, भगवंत मान को काम मत करने दो, अड़चन अड़ाओ। मोदी साहब का फोन आता है, केजरीवाल को काम मत करने दो, अड़चन अड़ाओ। जिस देश का प्रधानमंत्री 24 घंटे बैठ के ये सोचता है कि मेरे को अब इसको तंग करना है, मेरे को अब उसको तंग करना है, वो देश तरक्की कैसे करेगा दोस्त। आप में से कौन कौन बेरोजगार है जरा हाथ खड़े करें, जो जो बेरोजगार है, जो जो अनएम्प्लॉयड है। मुझे लगता है मेरी भाषा शायद समझ नहीं आ रही है, अनएम्प्लॉयड तो बहुत लोग हैं। आज देश का एक एक युवा बेरोजगारी से त्रस्त है। हमारे प्रधानमंत्री को बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। वो 24 घंटे बैठ के ये सोचते हैं मैं किस मुख्यमंत्री को तंग करूं, किसके ऊपर मैं सीबीआई छोड़ूं, किसके ऊपर मैं इनकम टैक्स की रेड डलवाऊं, किसके पीछे मैं ईडी छोड़ूं। आज पूरे देश के अंदर इतनी महंगाई हो गई है, एक आम आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है, अपने बच्चे पालने मुश्किल होते जा रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को महंगाई की बेरोजगारी की कोई चिंता नहीं है। वो ये सोचते हैं आज मैं किसके एमएलए खरीदूं, इस पार्टी के एमएलए खरीदूं, इस सरकार को गिराऊं। ऐसे तो देश तरक्की नहीं कर सकता दोस्तों। 2014 में आप लोगों ने बड़ी, पूरे देश के लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ इन लोगों को भारी बहुमत दिया था, और एक एक बार नहीं, दो दो बार आप लोगों ने इनको बहुमत देके जिताया। लेकिन अब देश बदलाव मांग रहा है, लोगों को पता चल गया कि ये लोग देश बदलने के लिए नहीं आए, ये केवल और केवल देश बर्बाद करने के लिए आए हैं। 2024 का चुनाव आपके लिए एक मौका है। अब 10 साल हो गए, और कितना इंतजार करेंगे। 2024 के अंदर सारे देश को मिलके इनको उखाड़ फेंकना है और ऐसी सरकार लेके आनी है जो देश के बारे में सोचे, बेरोजगारी के बारे में सोचे, महंगाई के बारे में सोचे, आपके बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचे, आपके परिवार का इलाज कराने के बारे में सोचे, देश की तरक्की करने के लिए सोचे, ना कि लोगों से बदला लेने के लिए सोचे दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया।